आगामी 26 जुलाई को भारतीय जनता युवा मोर्चा कारगिल दिवस पर एक कार्यक्रम करने जा रहा है, क्या कुछ वो कार्यक्रम है और युवाओं के क्या कुछ अलग अलग मुद्दे इस समय प्रदेश में चल रहे हैं, बजट में युवाओं को क्या कुछ दिया गया है, इस पर बात करने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष अंकित चेची हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित भाई, सबसे पहले तो कारगिल विजय दिवस पर जो आप कार्यक्रम करने वाले हैं 25 को और 26 को, वो क्या कुछ कार्यक्रम है उसके बारे में। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा राजस्थान द्वारा 26 तारीख जो कि कारगिल दिवस का विजय दिवस है, उसके पूर्व संध्या के ऊपर हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर के अंदर मशाल जुलूस व तिरंगा यात्रा पूरे राजस्थान के सभी जिलों के अंदर निकालने जा रहे हैं और 26 तारीख को हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता शहीद स्मारकों के ऊपर जाकर के किसान जो हमारे सैनिक भाई है जो शहीद हुए उनके घर पे जाकर के उनके परिवारजनों को सम्मान देने का काम करेंगे। जो सैनिकों ने युद्ध उस समय पर कारगिल का लड़ा था उनको जाकर के शॉल ओढ़ा करके उनका सम्मान करने का काम ये युवा मोर्चा का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान भर में करेगा। 26 जुलाई को जो आप जुलूस निकालने वाले हैं वो कहाँ से कहाँ तक निकलेगा? सभी जिलों के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर है। जो जैसा कि आपने बताया जुलूस 25 तारीख को निकलेंगे और 26 तारीख को हम सब सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जाकर के उन सैनिकों को बुला करके सम्मान देने का काम करेंगे। चेची भाई, आपने कारगिल विजय दिवस पर जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए जुलूस की बात कही और भारत क्योंकि कृषि प्रधान देश है तो जाहिर सी बात है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और अधिकतर सेना में किसानों के ही बच्चे जाते हैं। इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, विपक्ष जिस पे हमलावर है, अग्निवीर योजना को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है संसद में, विधानसभा में, हर जगह इस पर आवाज़ उठाई जा रही है विपक्ष के द्वारा कि ये युवाओं के साथ धोखा है, किसानों के बच्चों के साथ धोखा है, उस पर क्या? विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ झूठ फैलाने का काम है। आपने लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखा था इन्होंने किस तरह से झूठ फैलाया था कि हम आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। ऐसी झूठ फैलाने का काम ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी पार्टियां कर रही है। आप जब गांव के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे कि अग्निवीर योजना से पूरे गाँव के युवाओं के अंदर उत्साह है, अधिक से अधिक संख्या के अंदर युवा अग्निवीर योजना से जुड़ने जा रहे हैं, अग्निवीर योजना के अंदर सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। और एक जो मुद्दा, क्योंकि आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और युवाओं द्वारा अलग अलग जगहों पर अलग अलग राजस्थान के जिले में आवाज़ उठाई जा रही है छात्र संघ चुनाव को लेके, आपको भी पता है कि भाजपा कांग्रेस के कई बड़े नेता और आप स्वयं भी छात्र राजनीति से उठकर आए हैं, तो छात्र संघ चुनावों पर आपका क्या स्टैंड है? बिल्कुल, छात्र संघ चुनाव की जैसी अभी चर्चा चल रही है तो हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने भी CM साहब से भी समय लिया है और हमारे उप मुख्यमंत्री जी से भी समय लिया, जो हमारे शिक्षा मंत्री जी भी है, और हम चाहते हैं कि चुनाव हो और हम सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इसके अंदर हमारे डिप्टी CM साहब से चर्चा करेंगे और जो भी निर्णय निकलेगा वो हम सब चाहते हैं कि छात्र हित के अंदर हो। हाल ही में केंद्रीय बजट आया है, उसमें युवाओं को लेकर काफ़ी कुछ घोषणाएं हुई है, इंटर्नशिप को लेकर हुई है और विदेश में पढ़ाई को लेकर हुई है, उस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, पूरे राजस्थान के अंदर इन सब योजनाओं को लेकर के उत्साह है, पूरे देश के अंदर उत्साह है। इंटर्नशिप के अंदर भी युवाओं को 5,000 रुपये भत्ता देने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जो विदेश के अंदर पढ़ना चाहते हैं उनको भी छूट देने का काम टैक्स के अंदर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और पूरे राजस्थान के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर पूरा विश्वास इन राजस्थान के और पूरे देश के युवाओं का है। एक आखिरी सवाल ये है, बजट आया, राज्य का भी आया और केंद्र का भी आ चुका है, कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगता है युवाओं के लिए या प्रदेशवासियों के लिए जो दोनों ही बजटों में होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई और आप चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में ये हो? वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बजट के अंदर सभी वर्गों को जोड़ करके इस बजट के अंदर दिया गया है और मैं युवाओं के लिए जो सबसे ज़्यादा दिया गया है वो नौकरियों का है, नौकरियाँ सबसे ज़्यादा राजस्थान सरकार ने दी है। और मैं सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जो पेपर लीक की समस्या है, जो आम समस्या हमारे राजस्थान प्रदेश की है, इसके ऊपर जो SIT का गठन हमारी सरकार ने किया है इसको और ताकत दे ताकि आने वाले भविष्य के अंदर युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो सके।
इधर हमारे साथ अंकित चेची, और इनका साफ तौर पर कहना है कि कारगिल विजय दिवस के ऊपर भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा पूरे प्रदेश भर में एक जुलूस निकाला जाएगा, शहीदों को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही छात्र संघ चुनावों को लेकर अंकित चेची का कहना है कि बहुत जल्द मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेनवर से इनका एक शिष्टमंडल मिलने वाला है, और बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला ज़रूर आएगा। बजट में युवाओं के लिए राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो कुछ भी दिया उससे न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश भर का युवा उत्साहित है, और आने वाले समय भी युवाओं के लिए बेहतरी के कई और अवसर आएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।